गाइस, स्वागत है आपका एक और एक्सेलेंट वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रोमैक्स की ईवी स्कूटर के बारे में। गाइस, बेसिकली हो क्या रहा है, ईवी जो इंडस्ट्री है ना, काफी ज्यादा ग्रो कर रही है। सबको ना किफायती रेट में बेस्ट एक ईवी स्कूटर चाहिए, इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए। बट इन एट द एंड हमें ना अच्छी ब्रांड की तरफ से एक अच्छा इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं मिल पा रहा है। बट यहाँ पर एक माइक्रोमैक्स अपना एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आ रहा है। अब वो कैसा रहेगा, क्या रहेगा, चलिए इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप माइक्रोमैक्स के डाई हार्ट फैन हैं तो यार ठीक है, मतलब दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और नहीं है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो फिर से। हुआ क्या है, माइक्रोमैक्स के स्मार्टफोन्स तो नहीं चल पाए, बट अब ईवी इंडस्ट्री के घुसने की प्लानिंग कर रहा है माइक्रोमैक्स। देखो, माइक्रोमैक्स ने इन सीरीज निकाली अपनी 2022 अप्रैल के अंदर, उसका लास्ट स्मार्टफोन था इन सीरीज का, चीनी कम के नाम से, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, अट्रम चट्रम बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी। बट चीनी कम करके खुद ही कम हो गए, पता ही नहीं चला कब मार्केट से चले गए, किसी को नॉलेज नहीं। उसके अगेंस्ट में लावा ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर दिया, और काफ़ी सारे ब्रांड्स को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था कि माइक्रोमैक्स तो अच्छे तरीके से आ चुका है बट लावा नहीं आ रहा, और अपने कार्बन नहीं आ रहे, ऐसे ऐसे नहीं आ रहे। बट एट द एंड लावा तो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है अभी के टाइम पे, बट कहीं ना कहीं जो माइक्रोमैक्स की जो मार्केट है वो कम्प्लीटली जा चुकी है, इंडियन मार्केट में बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है स्मार्टफोन्स की बात कर ली जाए तो। इसी वजह से उसने एक कदम पीछे लिया है और बोला है कि हम ईवी इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं। अगर ऐसी ही बात कर ली जाए तो ईवी इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी सारे प्लेयर्स पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पर जैसे माइक्रोमैक्स ने अपने स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया था ना प्राइस के हिसाब से, कि प्राइस कम रहेगा, ये होगा, वो होगा, टर्म छटर्म, मतलब प्राइस परफॉर्मेंस जो स्मार्टफोन्स दिए थे ना माइक्रोमैक्स ने प्राइस के नाम पर पे, चाइना के नाम पर पे, ऐसे ऐसे चीनी कम के नाम से, वो अभी मतलब ख़त्म हो चुके हैं, उसकी मार्केट नहीं बन पाई है, वो ख़त्म हो चुके हैं कम्पिटिटिव तरीके से। बट ऐसे ही केस में अगर माइक्रोमैक्स फिर से अपनी ईवी इंडस्ट्री के अंदर ला रहा है, देखो ईवी इंडस्ट्री के अंदर सबको सस्ते में चाहिए, क्योंकि अभी ईवी इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, और वहाँ पर जो स्कूटी वगैरह इलेक्ट्रिक स्कूटर जो भी मिलते हैं काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलते हैं। और इन केस अगर माइक्रोमैक्स सस्ते प्रोडक्ट प्रोवाइड करा देता है तो मे बी माइक्रोमैक्स चल सकता है वहाँ पर, बट मेरे हिसाब से इतना आसान नहीं होगा माइक्रोमैक्स के लिए कि वो सस्ते प्रोडक्ट प्रोवाइड करा दें इंडियन मार्केट में। अगर सस्ती इलेक्ट्रिक स्कूटी प्रोवाइड करानी होती तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो पहले से प्रोवाइड करानी है, वो नहीं चल पाई हैं। बट यहाँ पर माइक्रोमैक्स क्या कर रहा है, माइक्रोमैक्स के पास खुद का एक ब्रांड वैल्यू है, अगर वो उसको यूज़ करके उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करके अपने आइडियाज़ को जो भी उसके प्लान रहेंगे, अगर वो इंडियन मार्केट में 50,000 से नीचे एक इलेक्ट्रिक स्कूटर काफ़ी अच्छी किफ़ायती रेट में प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो के हिसाब से लॉन्च कर देता है तो सच में माइक्रोमैक्स ईवी इंडस्ट्री के अंदर चल सकता है। वहाँ पर स्मार्टफोन जैसा काम ना करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे पहले माइक्रोमैक्स ने जब 3G से 4G में शिफ्ट किया था ना स्मार्टफोन्स के अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, इतना आसान नहीं था उसके लिए। ऐसे ही ईवी इंडस्ट्री के अंदर भी रहेगा, हालांकि माइक्रोमैक्स खुद की ईवी नहीं बना रहा है, वो भी किसी दूसरी कंपनी से टाई अप करके कर रहा है ये काम, और ये लगा लो उसका होगा, माइक्रोमैक्स का ब्रांड वैल्यू रहेगी वहाँ पर, थोड़ा बहुत R&D वगैरह उसके ऊपर चल रही है माइक्रोमैक्स की, तो वो थोड़ी बहुत हो सकती है। बट वो कम्प्लीटली मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएगा ईवी को, ये तो कम्प्लीटली आप लगा कर चलो, अगर दूसरे ब्रांड के साथ टाइप करके माइक्रोमैक्स के ब्रांड वैल्यू के साथ, जितने लोग ट्रस्ट करते हैं आज भी इंडियन ब्रांड है एक आज एज है, तो उसके हिसाब से अगर वो अच्छी ईवी लॉन्च करता है तो मे बी उसकी ईवी 100% चलेगी इंडियन मार्केट के अंदर। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत का नाम लेकर के चीनी कम ये ऐसी मार्केटिंग करके दोबारा ऐसा काम ना हो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, और मुझे उम्मीद है कि माइक्रोमैक्स की ईवी बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगी इंडिया के अंदर भी, चाहे कैसे भी हो, और अच्छी प्राइस में लॉन्च हो तो काफ़ी ज़्यादा बेटर। आपको क्या लगता है, अगर माइक्रोमैक्स की ईवी लॉन्च होती तो क्या आप उसको लोगे या नहीं लोगे, और आपके हिसाब से माइक्रोमैक्स की ब्रांड वैल्यू आपके माइंड में कहाँ 1 to 10 के हिसाब से कहाँ रखती है वैल्यू आपकी, कॉमेंट सेक्शन में बताना यार, 1 to 10 में कितनी रेटिंग्स दोगे आप माइक्रोमैक्स को। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, और हो सका तो ईवी लॉन्च होती है तो मैं माइक्रोमैक्स की भी इस चैनल के ऊपर जरूर लाऊंगा और आपके साथ में रिव्यू करूंगा बेस्ट तरीके से। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।